आज की वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑफर लाया हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में चमक, दिल में घंटियां और चेहरे पे स्माइल जरूर आएगी। आपको मिल सकता है एक आईफोन 14, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। जानने के लिए बस इस वीडियो को देखते रहे। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल यार। अब आज का जो गेम प्ले है ना, वो थोड़ा सा यार नॉर्मल वीडियो से लंबा होने वाला है, बिकॉज भाई तुम्हारे भाई ने चिड़ के रख दिया है। इसमें इतने गिल्स हैं, तुमको मजा आ जाएगा। मतलब मान के चलो, बिजमाई के अंदर जब से मोड आया ना, ये मेरा हाईएस्ट किल वाला गेम प्ले होने वाला है। अब इसके आगे मैं डेफिनेटली इससे ज्यादा किल करूंगा, लेकिन अभी तक का ये हाईएस्ट है। अब यहां पर मैंने दो बंदों को उतरते ठोका, तो भाई तुमको हिंट तो यहाँ पर ये किल से ही दे दी है। तो अब तुम लोग बिना चीटिंग करे गेस करो कमेंट सेक्शन में कि इस गेम प्ले में कितने किल होंगे। अब जान दो, ये जो गेम प्ले ये सिर्फ किल्स की वजह से लंबा नहीं है, ये इस वजह से भी लंबा है क्योंकि जो किल्स है ना भाई, बोल बहुत लंबी फाइट के बाद मेरे को मिले। मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी पड़ी है, उड़ के जाना पड़ा है। तो मतलब तुम भी देखोगे ना, तुम भी कहोगे फारो भाई आज थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया यार तुमने गेम प्ले में। अब वेल यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि मेरे सामने दो स्क्वाड्स कुत्तों की तरह लड़ रही हैं और मैं बिल्ली की तरह छुप के बैठा हुआ हूँ कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं किल चुरा लूंगा। अब मेरे को मौके मिले भी और मैंने किल्स भी चुराए, लेकिन उसके बाद भाई मेरे को किसी ने पीक नहीं दिया, ना ही मेरे से फाइट ली। अब इस चक्कर में मेरा लूटिंग टाइम वेस्ट हो रहा था, बिकॉज मैं लूट कहाँ पाया था भाई। मैच उतरते ही लड़ने लगा हूँ मैं, तो मैं अंदर थोड़ा सा लूटने उठने गया, लेकिन जब लूट के बाहर निकला तो मेरे को बंदा स्पॉट हुआ। जिसको तो मैंने सूद दिया, लेकिन इससे मेरे को याद आया भाई, कल की वीडियो में मैंने पूछा था कि जो नई एबिलिटीज, जो नया गेम मोड आया है, इसको लेके मैं कोई वीडियो बनाऊं क्या जिसमें मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं और थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूं। तो भाई ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कहा हाँ भाई ऐसी वीडियो चाहिए। तो भाई देखो, टोपी नहीं पहनाऊंगा इस बार मैं पिछली बार की तरह। डेफिनेटली आपको एक वीडियो मैं देने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, जिसमें आपको काफी काम की चीजें बताऊंगा। हो सकता है कि उसमें से काफी सारी बातें आपको ऑलरेडी पता हूँ, क्योंकि देखो ये मोड पहले ही पबजी मोबाइल में आ चुका था, तो ऑलमोस्ट सभी ने गेम प्ले देख रखे है। लेकिन फिर भी काफी सारी ऐसी बातें हैं जो बची रह गई, जो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द बता दूं। फिलहाल यहां पर मैं यूज कर रहा था एबिलिटी और मैं खुद ठोक दिया गया भाई, और बहुत ही गंदा भाई। इसका टीममेट वही था जहां मैं पहले था भाई, जिस घर में, और इन लोगों ने क्या मेरे को मारा है। वेल जो भी हूं, मैं रिस्पॉन हुआ और मैं गोलगप्पा लेके टहल रहा था, तभी मेरे को एक नाव दिखी यार। मैंने लगा दिया गोलगप्पा इसके पीछे। लेकिन इस फाइट से पहले आप ये सुनो, चलिए बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 14, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। ये ऑफर इतना इनक्रेडिबल है कि आपको खुद देखकर विश्वास करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्किल को और टीम बनाओ 13 अगस्त को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच के लिए। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो शानदार आईफोन 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर के लिए है, तो इसे मिस मत करना। टॉप प्राइस में जीतो SUV कार, जो कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के हर मैच में मिलेगी। इफ यू डाउनलोड फ्रॉम द बिलो लिंक यूजिंग माय कूपन कोड MECNEW, यू विल गेट 20% एक्स्ट्रा रियल कैश इनटू योर माय 11 सर्किल अकाउंट। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज नाउ। अब देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस बोट वाले को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं इसके पीछे लगाऊं। भाई वो सोच भी कैसे सकता है कि एक गोलगप्पा उसके पीछे लगा होगा। लेकिन भाई इसी करामात देखो, इसने अपनी भाई बोट इतने कायदे से पार करी कि अब ये बोट भाई ये ले नहीं पाएगा, और खुद पानी में कूद गया और ऐसी जगह पर कूदा है जहां से ऊपर चढ़ नहीं पाएगा आसानी से। तो मेरे लिए भाई फ्री की किल है भाई, ये एकदम फ्री की किल है। अब इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि इस पूरे अपडेट का जो सबसे ब्रोकन फीचर है ना, वो ये गोलगप्पा है, यानी कि कैप्सूल कार। भाई देखो, उसकी नाव तो ऊपर नहीं जा सकती, बट मेरी गोलगप्पा, मेरी कैप्सूल कार तो ऊपर जाएगी ना। भाई मैं आराम से ऊपर आ गया और वो बेचारा पानी में रह गया। क्या कोस रहा होगा अपनी किस्मत को। अब मैंने इसे आराम से नॉक करा, भाग के कहीं जा नहीं सकता था, तो भाई ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। मैंने इसको फिनिश भी कर दिया, मुक्ति दे दी। उसके बाद मैंने वापस से गोलगप्पा उठाया और घूम के वापस, जानते हो कहाँ गया, जॉर्जपुर। एक पैसे की घंटा मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मेरे को बंदे मिलेंगे, लेकिन भाई मेरे को पूरा स्क्वाड मिल गया इधर, मजा आ गया मुझे। अब सबसे पहले तो मेरी सुताई हुई, तो मैंने हील लगाया, फिर मेरी बारी आई और मैंने इनकी सुताई करी। भाई जान थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, इनको भी भरा, इनके टीममेट को भी भरा,
दोनों को फिनिश करा। मुझे पता था ये अकेले तो होंगे नहीं यहाँ पर, डेफिनेटली और कोई ना कोई होगा। तो जब मैं हील लगाने लगा और वापिस आया तो मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी। ओ भाई ये बंदा क्या कर रहा था यार, पूरा स्क्वाड यहाँ मजे मजे में वाइप कर दिया मैंने। वेल जो भी हो, मेरे को 7 ड्रैगन बॉल्स मिल चुकी थी। तो अब तुमको पता है, अब मैं अपनी वीडियोस में, आई थिंक मैंने इससे पहले समनिंग नहीं करी कभी, तो मैं पहली बार यहाँ पर समन करने जा रहा था शेनरॉन को और उससे कोई विश मांगूंगा मैं आपके सामने। लेकिन तभी यहाँ पर पहुंचेंगी वो होने लगी भाई साहब फायरिंग। तो मुझे पता था यहाँ पर बंदे है। अब मेरी फट रही है क्योंकि सबको मेरी लोकेशन पता है। तो यहाँ पर मैं भाई साहब थोड़ा सा शेनरॉन से दूर था, लेकिन तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि शेनरॉन की सबसे बेस्ट विश तुमको कौन सी लगती है। अब यहाँ पर पता नहीं भाई मेरी यहाँ पर फट रही है और ये मेरे को पता नहीं क्यों विश नहीं दे रहा है। अब फाइनली मेरे को विश का ऑप्शन पॉपअप हुआ, लेकिन यहाँ पर बंदा आ गया यार। तो मैंने बंदे की कर दी सुताई पूरी तरीके से फिनिश। मेरा विश चुराने आया था, अब ये विश करेगा कि काश इधर ना आया होता। वेल यहाँ पर मेरे को कुछ खास विशेष नहीं मिली तो मैंने अपना कामया में आई स्ट्रेंथन कर लिया। बट भाई मेरे पास तो वो है ही नहीं, तब मैं करूँ क्या। वेल मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं मैच को जीतने के, मैं एबिलिटीज़ पे ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। लेकिन भाई एबिलिटीज़ अगर इतनी मस्त हो तो फिर क्या ही कर सकता हूँ। अब देखो मैं क्या मस्त ग्लाइड कर रहा हूँ अपने पोचिंकी में। तुम लोग मेरे को हिपोक्रेट बोलते हो पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले जब वीडियो बनाई थी ना, मैंने इस मोड को बहुत घर आया था और वाकई मैं अभी भी घर आऊँगा। लेकिन भाई देखो बीजीएमआई में भाई मेरे को मजा आती है, क्योंकि देखो यहाँ पर पिंगिंग का कोई पंगा रहता नहीं है, एकदम गेम मस्त स्मूथ चल रहा है फिलहाल तो अभी मेरे डिवाइस में। बाकी तुम लोग का डिवाइस का मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पर एबिलिटी यूज़ करने में मेरे को मज़ा आती है, तो मेरे को मोड ये ठीक ही ठाक लग रहा है। मतलब पहले मेरे को एवरेज लगता था, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा अबव एवरेज मोड लगने लगा है। पहले देखो मुझे पता था कोचिंग में ये बंदा अकेला तो है नहीं जिसका मैं पीछा कर रहा था, तो इसका कोई ना कोई टीममेट होगा। तो मैंने पीछे चेक करा, मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने उसको ठोक दिया। बट इधर मैं बहुत लो हो गया था तो मैंने फटाफट से हीलिंग करी यार। अब मुझे पता था कि मेरे जस्ट आगे वाले घर में एक बंदा बैठा हुआ है, और क्योंकि वो बिल्कुल फुटस्टेप नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली एक एम्पर है। अब बस तुम देखते जाओ मैं इसको क्या ठोकूंगा भाई। अब देखो मैंने लगाया तो मस्त टिप्स एंड ट्रिक्स था, लेकिन भाई ही नोज कि मैं हूँ इधर। लेकिन मैं भी यार थोड़ा सा बैड मैनर्स के मूड में था, तो मेरे भाई को दल लिया सिकल से भाई। रो रहा होगा ये बताइए, इसका आज का हो गया, आज ही नहीं खेलने वाला और आज इसका हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरे को दो मस्त किल मिले थे, लेकिन मेरे को पता था कि अभी भी यहाँ पर बंदे हैं पोचिंगे भाई, क्योंकि भाई साहब फायरिंग हो रही थी। तो मतलब कम से कम यहाँ पर दो पार्टीज थी जो आपस में लड़ रही, तो मेरे को बस एक और बंदे को ढूंढना था और वो बंदा ढूंढने मेरे को टाइम नहीं लगा। तो स्टोरी के अंदर है यार, आराम से स्पॉट कर लिया मैंने। अब सिर्फ मेरे को 3 स्टोरी वाला बंदा ही नहीं, घास के मैदान में भी एक बंदा स्पॉट हुआ जिसको मैंने उड़ा दिया। अब भाई ये पूरा स्क्वाड है, इनको बस तुम देखते जाना मैं क्या धरूंगा भाई एक करके। अब मैंने इसको भी फरा, लेकिन ये नॉक हुआ था तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर इसकी पूरी स्क्वाड है, लेकिन बाकी बंदे जो है ना भाई साहब वो स्क्वाड हाउस पे हैं, तो अब उधर जाना पड़ेगा अपने को। अब गाड़ी गाड़ी तो है नहीं, उड़ के ही जाएंगे, लेकिन पहले पता तो चल जाए एग्जैक्टली बंदे हैं कहाँ पर। अब देखो मैंने लूट वूट तो पूरी फुल पैक रखी थी भाई, क्योंकि देखो अपने को एकदम बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। बोले तो बंदे सामने मिले तो गोली खत्म नहीं होनी चाहिए। अब यार ये मेरी जो उड़ने वाली एबिलिटीज ने मेरे को हल्का सा धोखा दे दिया, स्क्वाड हाउस के अगर ऊपर पहुंच जाता ना तो काम हो जाता। लेकिन जरा तुम ये देखो, तेरे को क्या बताऊं मेरे भाई, मेरे को इस बंदे के माइक की आवाज आई थी, गया था मैं इधर भाई शॉटगन लेके बैठा हुआ था वो कोने में। ओ भाई अगर वो साउंड नहीं आया होता ना मैं निपट गया था इधर। वेल कोचिंग की में मेरा काम निपट चुका था, तो अपन गाड़ी उठा के सीधा हाई स्कूल की तरफ। और भाई यहाँ पर मेरे को बंदे मिल गए, काफी सारे बंदे मिल गए।
अब मैंने अपना किल तो कंफर्म कर लिया, लेकिन मेरे को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि एक बंदा मेरे पास वाली बिल्डिंग में और एक दूसरी मेन बिल्डिंग में। तो यहाँ पर भाई मैं सोचा था थोड़ा उड़ के खिड़की के अंदर चला जाऊं, बट यार अभी मेरे को काफी ज्यादा मास्टर करने की जरूरत है इस एबिलिटी को। अब यार मैं अंदर जा ही नहीं पा रहा था भाई, कितना बेवकूफ लग रहा होगा मैं खिड़की के सामने उड़ता हुआ। लकली वो बंदा मेरे को देख नहीं पाया, वरना गया था मैं। भाई ये बेचारा क्या ही टुका है। भाई देखो उड़ने वाली एबिलिटी ना थोड़ी सी ब्रोकन है। क्यों ब्रोकन है मैं बताता हूँ। अभी इस बंदे को मैंने मारा, ये मेरे को देख नहीं पाया, अब इसका टीममेट भी मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। अब जानते हो तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर ये ढूंढ भी लेता ना मेरे को तो मार नहीं पाता, क्योंकि भाई मैं इसकी खोपड़ी के ऊपर उड़ रहा था। इतने मतलब एग्जैक्ट अगर तुम किसी के सर के ऊपर उड़ो ना तो एम वहां जाता ही नहीं है, एकदम सीधा एम नहीं हो पाता है, तो भाई इस वजह से मेरे को मार नहीं पाता आसानी से। लेकिन यार यहाँ पर भाई इसके पास ग्रोजा थी तो मेरे अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी, प्लस जोन भी आ गया तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने कहा क्यों ना मैं इसको वेट करूँ गाड़ी से, तो इसकी गाड़ी तो फंसी हुई थी तो मैंने अपनी गोलगप्पा ली और भाई मैं जोन के बाहर जाऊँगा और मुझे पता है ये बंदा भी एग्जैक्टली वहीं पर ही आएगा। अब देखो मैं जोन के बाहर आ गया था, मेरे को पता था उसको इन्फो चली गई कि मैं वहां से निकल गया हूं, तो ये भी जोन में आने की कोशिश करेगा। भाई उड़ के आए स्पीड तेज लेके, लेकिन मैंने इनको देख लिया था तो आराम से टोक दिया। अब देखो मेरे 20 किलो हो चुके थे और 14 बंदे बच रहे थे। घूम फिर के अपन वापस से वहीं गए जहां से आए थे, पोचिंग की। देखो मैंने एक नॉक तो निकाल दिया था, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वहां कितने बंदे हैं। वहां पूरी स्क्वाड भी हो सकती है और वो अकेला बंदा भी रह सकता है उधर। तो यहां पर भाई मैं थोड़ा सा डर डर के जा रहा था, बिकॉज भाई मुझे कोई आइडिया नहीं था कौन कहां से निकलने वाला है। लेकिन यहां पर मेरे को आगे थे फुटस्टेप, तो मुझे पता था घर के अंदर बंदे तो है, तो मैंने डालने शुरू करे भाई साहब मौली और ग्रेनेड्स, और जो ये फटे भाई। दो हो गए ग्रेनेड्स है, ओ भाई सब खत्म भाई इधर ग्रेनेड्स है, रो दिए हो गए ये लोग। अब देखो तुम्हारे भाई के हो चुके थे 23 किल, 3 फ्री किल मिल गए थे मेरे को। तो उसके बाद मैं अपना गोलगप्पा लेकर टहल रहा था, तभी दो स्क्वाड्स के बीच में लड़ाई हुई और दो बंदे मेरे को ऊपर पहाड़ी पे स्पॉट हुए, जिनके पास एएमआर भी थी, बट वो अलग बात है कि वो मेरे को देख ही नहीं पाए। भाई मैंने इन दोनों को जो आराम से रखा है ना, पूछो मत, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा ले गया। अब जिनसे ये लड़ रहे थे वो तो पोचिंग की तरफ निकल गए, तो मैं भी इनको थोड़ा सा लूटा बूटा और वापस मेरे को पोचिंग की जाना पड़ा। अब मैं पोचिंकी में तो आ गया था, बट अब मैं थोड़ा सा यार ओपन में फंस गया था, क्योंकि जोन पूरा ओपन का बन रहा था, पोचिंकी के थोड़े बहुत घर जोन में थे। लेकिन तभी मेरे ऊपर भाई साहब जेट्स आने लगे। भाई आसमान तुम देखो, जेट्स ही जेट्स उड़ रहे भाई, इधर हवाई जहाज उड़ रहे पूरे में। ओ भाई ये नॉक होना चाहिए था। वेल अब मेरे को एक बात बता दी कि तीन बंदे यहाँ पर उड़ रहे थे, तो एटलीस्ट ये तीन बंदों की स्क्वाड तो यहाँ पर है ही है, मे भी एक बंदा सोलो होगा। तो यहाँ पर भाई मैं किसी भी हालत में चिकन डिनर गवाना नहीं चाहता था, तो मैं थोड़ा सा उड़ के इस घर की छत पे आ गया, क्योंकि भैया देखो पोचिंग की क्लियर है, ये मेरे को बहुत अच्छा पता है, सारे बंदे मैदान में ही है तो ये बहुत ही बढ़िया हाइट एडवांटेज वाला कवर है। अब देखो एक बंदा तो मेरे पास है, फुटस्टेप तो तुमको दिख ही रहे होंगे मैप पे, ये भाई साहब ग्रेनेड फोड़ रहे थे मेरे ऊपर और फिर बाद में मेरे घर में भी घुस गए। लेकिन जोन यहाँ भाई साहब अपना गेम खेल गया, जोन शिफ्ट हो गया पोचिंकी से, भाई पोचिंकी से अब हमको निकलना पड़ेगा। एक बंदा ओपन में आया था यार, बट वो नॉक नहीं हो पाया।
तो अब यहाँ पर मेरे दिमाग में चल रहा था भाई करूँ क्या, अगर मैं इधर रुका तो फंस जाऊँगा, ओपन में जाना है। तो मैंने डिसाइड करा कि थोड़ा सा रिस्क लूँगा, उड़ के जाऊँगा। अब मैं पहुंचना तो शैक तक चाहता था, बट मेरे को ये पत्थर मिल गया जो कि काफी था मेरे लिए। उसके बाद मैंने अपनी रनिंग वाली एबिलिटी यूज करी और दौड़ दौड़ के भाई साहब स्ट्रक्चर के पास आ गया। और भाई ये क्या प्यारी जगह थी, सारे बंदे स्पॉट हो गए इसे। अब इस शैक वाले को तो मैंने पहले ही देख लिया था जब मैं उड़ के आया था, तो इसको तो आराम से मैंने ठोक दिया। अब तीन और बंदे बच रहे थे और तीनों एक स्क्वाड के थे। ओ भाई ये कैसे नॉक हो गया यार। ओ भाई साहब, अब देखो तीन में से दो बंदे नॉक हो चुके थे, सिर्फ एक बच रहा था जो कि सामने वाले घर में था। तो बोले तुम समझ रहे हो चिकन डिनर तो कन्फर्म है। अब यहाँ पर मेरे को सामने जाना था, पैदल जाता तो मारा जाता, तो मैं उड़ के गया। अब मैं घर की छत पे आया, स्मोक वगैरह हो रखा था बट वो किसी काम का नहीं था, तो मैंने आराम से दोनों को फिनिश करके सारे किल्स जेब में कर लिए। अब आखिरी बंदा बच रहा था भाई साहब जो कमरे में कर रहा था कैंप। मैंने ग्रेनेड डाला तो भाई साहब बाहर निकले। मैंने सोचा इनको भी क्यों ना पैन से ही ठोक दिया जाए, बट भाई थोड़ी बीटी हो गई। लेकिन जो भी हो कतई एंड में इजी चिकन डिनर। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक टू विन आईफोन एंड एक्स्ट्रा 20% कैश। टॉप प्राइस में जीतो एसयूवी कार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स।